हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में मैंने अभी तक कवर किए हैं नाउंस, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। आइए अब आगे चलते हैं और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। नाउ वर्ब्स क्या हैं? वर्ब्स एक्शन वर्ड्स हैं। कोई भी शब्द जो एक्शन दिखाता है, आई रन, स्विम, डांस, कुक, कोई भी शब्द जो एक्शन को दिखाता है वो कहलाता है वर्ब। ये आप सब पढ़ चुके हैं। वर्ब्स को मैं आपको अपने पिछले वीडियो में टेंसेस और वर्ब्स को एक्टिव और पैसिव वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक क्विक रिकैप लेते हैं और आपको मैं फिर से बताती हूँ कि दो तरह से वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिन्हें की ऑब्जेक्ट्स की या कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि दिस बुक कॉस्ट 200 रुपीज। अब कॉस्ट क्या है? कॉस्ट हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब और 200 रुपीज क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें की ऑब्जेक्ट्स की और कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि माय फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट। माय फ्रेंड गेव क्या है? वर्ब। और मी अ गिफ्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एक्टिव और पैसिव मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। टेंसेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होते हैं, इनके कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। लेकिन फ्यूचर को हम टेंस नहीं बोलते, फ्यूचर को टाइम रेफरेंस बोलते हैं। और ऐसा हम क्यों बोलते हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आइए अब हम देखते हैं कि कॉमन वर्ब्स की एरर्स क्या होती हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं या हमें इंग्लिश एग्जाम में पूछा जाता है, और माइंड यू हर इंग्लिश एग्जाम में जो भी ग्रामर वाला एग्जाम होगा, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या कोई स्कूल का या कॉलेज का एग्जाम है, हर जगह पे वर्ब्स की एरर्स को ज़रूर पॉइंट आउट किया जाता है, जस्ट टू चेक कि आपको सही चीज़ पता है या नहीं। इसीलिए इस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और ये आप बिल्कुल इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और ये पता करिए कि कहाँ हम गलती करते हैं और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। आइए पहला सेंटेंस, द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। द कैट ड्रंक ऑल द मिल्क। अब ड्रंक क्या है? थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, मैं समझा चुकी हूँ पहले परफेक्ट टेंस के साथ हैज हैव हैड में, तो हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। द कैट ड्रंक ऑल द मिल्क। द स्कूल बेल हैज ऑलरेडी रैंग। हैज है, परफेक्ट टेंस है, तो रैंग नहीं होगा, क्या होगा? द स्कूल बेल हैज ऑलरेडी रंग, थर्ड फॉर्म लगेगा। ही टोल्ड हर दैट ही विल कम। ही टोल्ड हर ही वुड कम, दैट इज मोर करेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। आपको बताया जा चुका है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज सभी रूटीन एक्शंस पे और यूनिवर्सल ट्रूथ पे के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉज गलत है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भाई हमेशा से बेस्ट पॉलिसी रही है और आगे भी रहेगी। तो ये अभी मैं आपके लिए लाई हूँ दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। इनको ध्यान से देखिए। अपनी नेक्स्ट सीरीज में मैं बाकी के बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कंप्लीट करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।